नमस्कार दोस्तों, झारखंड धरोहर न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसी घटना घटित हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं खूंटी जिला के अंतर्गत तोरपा प्रखंड में ओकड़ा पंचायत के समीप ही जो अंग्रबारी गांव है वहां का घटना है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है, मार दिया गया है। हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से जब मुखिया से बात किया तो हमें पता चला मतभेद हुआ था, इस वजह से ये लड़ाई हुआ और उसको मार दिया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ऑफ कैमरा गांव वालों ने बताएं कि यहाँ पे जैसे वो छोटे छोटे जो वहाँ पर देख रहे होंगे लाठी डंडा देख सकते हैं, ये इसी से उन्हें मारने की कोशिश किया गया था। और आज जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही खतरनाक, जो चियारी होता है मतलब घर में जो प्रयोग किया जाता है वही सब चीज़ से इसे मारा गया है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहीं पर उस मृत आदमी को मारा गया था, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे खून का भी धब्बा दिखाई दे रहा होगा। फिर जैसे गांव वालों ने मुझे बताया कि यहाँ पर देख रहे होंगे गोबर खाद, यहाँ भी उसे मार के गिराया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी चिन्ह है और इसके बगल में जैसे पैर का निशान भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जगह जगह पर लाठी डंडा रखा हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ भी बांस का डंडा रखा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं। अब हम विस्तार से ओकड़ा पंचायत के मुखिया से बात करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना घटित हुआ है, ये कैसे हुआ है। और मैं ओकड़ा पंचायत के मुखिया हूं और मेरा नाम है बुधराम कंडोलना। यहाँ जैसे आंगराबारी में जैसे बहुत दुखद घटना हुई है, यहाँ पर जैसे संजय भोक्ता को दुखों प्रदान के पूरा परिवार ने यहाँ पर जैसे पूरा लाठी डंडा से पूरा मार के गिरा दिया है। और हमको यहाँ पर जैसे मेरा गांव में तो उस समय पूरा आंगराबारी के जे सुरेश महातो ने हमको सूचना दिया और सूचना देने के बाद हम तुरंत 10 मिनट में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद यहाँ पर जैसे वो लोग मार के पूरा चारों साइड घेरा हुआ था। और जैसे हम भी पहुंचे तो जैसे हम पहुंचे तो हमको भी मरने के लिए पूरा वो लोग तैयार हो गया था। तैयार होने से पहले हम पूरा प्रशासन को सूचना दिए और सूचना देने के बाद तोरपा थाना के सब प्रशासन पहुँचे। और प्रशासन आने के बाद जितना भी यहाँ दुखू प्रधान के जितना भी परिवार हैं वो लोग मारा था, उन लोग को पुलिस ने अभी पकड़ के तोरपा थाना ले गया है। और इन लोग का ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात हो रही है और इन लोग को सजा मिलना चाहिए ताकि इन लोग को ज़िंदगी में सजा मिलकर इन लोग को सुधार हो जाए। जैसे इन लोग का जमीन से संबंधित विवाद था, जैसे यहाँ पर जैसे संजय भोक्ता का जो जमीन था उसको खुदू प्रधान ने हड़प लिया था, उससे संबंधित यहाँ पर जैसे आज बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो गई है। ये लोग अपना जो ये मार के ये लोग अपना जो जान का हथियार ले लिया है। कैसे मारा, मैटर को थोड़ा सा क्लियर बताइए। यहाँ पर जैसे जो ये लोग ने अपना जो देहाती भाषा हम बोलते हैं जैसे दौली हुआ, डांडा हुआ, तीर हुआ और लाठी डंडा से और दोनों बोलते हैं, उसे भी लोग मार के पूरा ये लोग सिर में मारा था और पूरा रस्सी से बांध करके पूरा भारी से भारी संख्या में ये लोग घर का मिल के पूरा परिवार में साथ के पूरा मार दिया है। आज यहाँ प्रशासन आए और उन्होंने क्या संज्ञान देते हुए ले गए? यहाँ पर प्रशासन आए और ये लोग यहाँ पर जैसे सबका गवाही मांगा है ना, हाँ। और गवाही के आधार पर ये लोग आगे कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे कड़ी से और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का यहाँ पर मांग करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं।